और अब खबरें मूक बधिरों के लिए, और इसके लिए हमारे साथ जुड़ गई है प्रीति। असम में सरकार की वापसी के लिए भारतीय जनता पार्टी का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। पार्टी के स्टार प्रचारक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गुवाहाटी स्थित कामाख्या मंदिर पहुंचे, वहां पर उन्होंने दर्शन पूजन किया। असम के होजाई विधानसभा में जनसभा में मुख्यमंत्री योगी ने पूर्व की कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया, कांग्रेस की नीति को तुष्टीकरण वाली बताया। इसके अलावा प्रयागराज में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है, लाउडस्पीकर से अजान वाली खबर दिखाने का असर हुआ है। कुलपति संगीता की शिकायत पर लाउडस्पीकर को दूसरी ओर घुमा दिया गया और लाउडस्पीकर की आवाज कम करने का भी फैसला लिया गया है। दरअसल प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने स्थानीय डीएम को चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी कि मस्जिद में होने वाली अजान से उनकी नींद में खलल पड़ता है। संगीता श्रीवास्तव ने प्रयागराज के डीएम को लिखी इस चिट्ठी में कहा था कि रोज सुबह करीब 5:30 बजे मस्जिद में अजान होती है और ऐसे में लाउडस्पीकर की तेज आवाज उनकी नींद में खलल डालती है। आगे बढ़ते हैं। यूपी में अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार सख्त रवैया अपनाए हुए है और यही वजह है कि एक के बाद एक माफियाओं और अपराधियों के साम्राज्य को तबाह किया जा रहा है। सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आंकड़ा भी जारी किया है। इसमें पिछले 4 सालों में 135 बदमाशों का एनकाउंटर किया गया है। 2017 में 41 साल और 2019 में 34 साल, 2020 में 26 और साल 2021 में अब तक 6 अपराधियों के एनकाउंटर हो चुके हैं। यूपी में सबसे ज्यादा मेरठ, उसके बाद आजमगढ़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और अलीगढ़ में एनकाउंटर्स हुए। इधर विधायक अलका राय ने प्रियंका गांधी वाड्रा को मार्मिक चिट्ठी लिखकर मुख्तार अंसारी से जान का खतरा बताया है। उन्होंने लिखा कि कुछ भी हुआ तो आप और आपकी पार्टी ही जिम्मेदार थी। हालांकि यह पत्र पंजाब के जेल मंत्री की यूपी यात्रा के बाद आया है। आपको बता दें कि अलका राय पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय की पत्नी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया।